गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फिफ्थ। फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर रिवीजन ऑफ रीडर बुक। चैप्टर 8 to 14 विल कम इन योर फाइनल एग्जाम, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 8th चैप्टर अवर बॉन्स। इन अवर बॉन्स चैप्टर 8, फर्स्टली वी विल रिवाइज word meaning. Yes, first is shaggy. Shaggy means covering down easily. Covering down easily. Second, monkey bars. Monkey bars means a series of bars on fixed post on which children can play. On which children can play. जैसे पोल्स के ऊपर जो है लोहे की जो सीरीज लगी होती हैं उनको बोलते हैं, जिनके ऊपर बच्चे जो है हैंग कर सकते हैं। थर्ड इज प्लास्टर कास्ट। प्लास्टर कास्ट मींस अ मॉड्यूल मेड विद अ थिन मटेरियल दैट यूज टू होल्ड अ ब्रोकन बोन। मीन्स ब्रोकन बोन के चारों तरफ जैसे हम एक मॉड्यूल पतला सा मटेरियल होता है जिससे हम उसके लेयर बना देते हैं, तो उसको बोलते हैं प्लास्टर कास्ट, यानी वाइट कलर का जो पेस्ट होता है उससे। नेक्स्ट है मेंडेड। मेंडेड मीन्स रिपेयर, ठीक करना, रिपेयर्ड, मेंडेड, रिपेयर्ड। बीन बैग। बीन बैग अ क्लोथ बैग फिल्ड विद ड्राइड बीन्स। जैसे हम किसी बैग में या पोली बैग में कुछ ऐसे बीन्स वगैरह डालते हैं तो उसको जैसी शेप देना चाहते हैं वैसी शेप में वो जैसे उसको रखते हैं वैसी शेप में वो उसकी वो जो शेप बन जाती है। तो इसी तरह से बीन बैग जो है जैसे जिस उसमें शेप में उसको ढालना चाहते हैं उसी शेप में वो ढल जाता है। तो यहाँ बीन बैग का मतलब बीन बैग को हमारी जो बॉडी है वो अगर उसमें विदाउट बोन्स अगर हम बॉडी को कंपेयर करते हैं तो वो कैसा हो जाएगा, बीन बैग की तरह हमारी बॉडी हो जाएगी विदाउट बोन्स। नाउ सिक्स्थ, फास्ट और जंक फूड। फास्ट और जंक फूड, फूड दैट आर इजीली कुक्ड एंड आर सोल्ड बाय रेस्टोरेंट्स टू बी ईटन क्विकली। सच फूड आर नॉट कंसिडर्ड गुड फॉर हेल्थ। यानी फास्ट फूड जो जल्दी से ही पैक्ड फूड होता है ये, और जल्दी ही जो है उसको थोड़ा सा गर्म किया और वो जो है, या फिर पैक्ड जो है तैयार फूड जो है पैकिंग में होता है तो उसको बोलते हैं फास्ट फूड और जंक फूड। इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। नाउ क्वेश्चन आंसर, What did Nadia love to do during the recess? Nadia जो है अपने स्कूल में recess time में उसको क्या पसंद था? What did Nadia love to do during the recess? Nadia loved playing on the monkey bars. Nadia को जो monkey bars यानी कि जो खेलने के लिए झूले बने होते हैं उन पे उनको जो है खेलना बड़ा पसंद था recess time में। Now second, how did she break her arm? उसकी जो arm है वो कैसे जो है broken हो गई थी? She fell down the monkey from the monkey bars and broke her arm. She fell down from the monkey bars. वो जो monkey bar से गिर गई and broke her arm, और उसकी arm जो है broke हो गई। Now third, why did Nadia's teacher ring up Nadia's parents? Nadia के teachers ने उसके parents को जो है call क्यों किया? To tell them, yes, now answer, to tell them to take Nadia to hospital. because she had broken her arm
हर आर्म, क्योंकि वो जो है मंकी बार से गिर गई थी, तो उसका जो है उसकी आर्म ब्रोकन हो गई, तो उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए पेरेंट्स को कॉल किया. नाउ नेक्स्ट, हाउ डिड द डॉक्टर नो दैट नाडियाज आर्म वॉज ब्रोकन? डॉक्टर को कैसे पता चला कि जो है नाडिया की आर्म जो है वो ब्रोकन हो चुकी है? बाय टेकिंग एन एक्सरे, बाय टेकिंग एन एक्सरे ऑफ हर आर्म. उसकी जो आर्म का एक्सरे लिया डॉक्टर ने, तो उससे उनको पता चला कि उसकी जो है आर्म वो ब्रोकन हो चुकी है. बाय टेकिंग एन एक्सरे ऑफ हर आर्म. नाउ नेक्स्ट, व्हाट डिड द डॉक्टर पुट ऑन नाडियाज आर्म? डॉक्टर ने नाडिया की आर्म का जो है उसको ठीक करने के लिए क्या किया? डॉक्टर पुट अ प्लास्टर कास्ट, डॉक्टर पुट अ प्लास्टर कास्ट ऑन नाडियाज आर्म. डॉक्टर ने जो है नाडिया की आर्म पे प्लास्टर जो है कास्ट कर दिया, हमने लगा दिया. नाउ सिक्स, व्हाट एनकरेजिंग वर्ड्स डिड द डॉक्टर से टू नाडिया? उसको जो है एनकरेज करने के लिए, सांत्वना देने के लिए डॉक्टर ने उसको क्या कहा? ही सेड हर, द डॉक्टर सेड हर आर्म वुड गेट बेटर इन अ फ्यू डेज. उसकी जो आर्म ब्रोकन हो चुकी है वो अब कुछ दिनों में ही बिल्कुल ठीक हो जाएगी. ही सेड हर आर्म वुड गेट बेटर, वुड गेट बेटर इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी. वाई डिड नाडिया टेक हर एक्सरे टू स्कूल? नाडिया जो है अपने जो आर्म का जो एक्सरे था वो स्कूल क्यों लेकर जाती है? नाडिया टुक हर एक्सरे टू स्कूल टू शो इट टू हर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को दिखाने के लिए कि उसको उसकी जो ब्रोकन आर्म है उसको मतलब कैसे पता चला डॉक्टर ने जो उसमें उसको बताया कि देखो यहाँ से जो है ये आर्म ब्रोकन हो चुकी है, तो वो अपने फ्रेंड्स को दिखाने के लिए ले जाती है एक्सरे स्कूल में. नाउ नेक्स्ट, अबाउट हाउ मैनी बोन्स इन अवर बॉडी? यस, इन अवर बॉडी हैज अबाउट 200 bones. नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ बोन्स इन अवर बॉडी? हमारी बॉडी के अंदर बोन्स का क्या यूज है? विदाउट बोन्स अवर बॉडी वुड बी अ शेपलेस लैम्प. मीन्स विदाउट बोन्स, अगर हमारी बॉडी के अंदर बोन्स ना हो, देन आवर बॉडी वुड बी ए शेपलेस लैम्प. यानी कि विदाउट किसी शेप का जो है, कोई भी शेप नहीं होगी, शेपलेस लैम्प यानी कि एक लट्ठा नाम जो है एक ढेर सा हो जाएगा. वी वुड नॉट बी एबल टू मूव, और ना ही हम जो है विदाउट बोन्स कहीं मूव कर सकेंगे. सो आवर बॉडी वुड बी शेपलेस लम. ओके बेटा, थैंक यू. रिवाइज योर वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर, चैप्टर 8 अवर बोन्स. फर्स्टली यू विल लर्न दिस क्वेश्चन आंसर, एंड आफ्टर लर्निंग द क्वेश्चन आंसर यू विल राइट द आंसर इन योर रफ नोटबुक. देन you will check how many mistakes are there, you will correct it and write the mistakes 5 times. Okay beta, thank you.